कोलितमारा इको विलेज टूरिज्म के तहत मैं आ गया हूँ पेंच फॉरेस्ट के कोलितमारा गांव में, कोलितमारा गेट के पास, यानी फॉरेस्ट कोलितमारा फॉरेस्ट गेट के पास। वन पर्यटन संकुल कोलितमारा, पेंच टाइगर रिजर्व का एक पार्ट, एक गेट, एक बेहतरीन खूबसूरत सा पर्यटन स्थल और एक बेहद ही खूबसूरत लोकेशन में सिचुएटेड। सभी को मेरा नमस्ते, मेरा नाम विशाल चौहान है, मैं यहाँ पे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर इस पद पर काम करता हूँ। ये कोलितमारा एक पेंच टाइगर रिजर्व में एक फॉरेस्ट रेंज है। ये नागपुर से करीब 70 किलोमीटर के दूरी पर है। यहाँ पे आने के लिए आपको 2 घंटा टाइम लगेगा। और ये कोलितमारा जो है सभी तरफ से कोर फॉरेस्ट एरिया से घिरा हुआ है और बीच में ये कोलितमारा गाँव है। बहुत ही नेचुरल सुंदरता और एक नैसर्गिक सुंदरता का अनुभव आप यहाँ पे कर सकते हैं। कोलितमारा फॉरेस्ट डिवीज़न इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है। ये जो कार्यक्रम है ये है बैल बंडी, इसको बोलते हैं यहाँ की भाषा में। तो ये तैयारी हो चुकी है, नया अनुभव। जीप सफारी करते हैं पर ये है बैल बंडी सफारी। ये खिल्लर प्रजाति का बैल है, ठीक है। ये स्पेशली इसी काम के लिए यूज़ होता है। शहरी जो लोग हैं उनको एक ग्रामीण जीवन कैसा रहता है, एक आदिवासी जीवन कैसा रहता है, उसके अलग अलग पहलू क्या है, ये हम इस माध्यम से आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो फॉरेस्ट है और ये एक पेंच रिवर है उसके किनारे पे है, किनारे पे ये बसा हुआ है, तो ये बहुत ही नेचुरली बहुत ही अच्छा अनुभव आपको मिल सकता है। इसीलिए पेंच व्याघ्र प्रकल्प के जो सभी अधिकारी है और हमारा जो व्यवस्थापन है उनकी तरफ से मैं सभी को आह्वान करना चाहता हूँ कि आप ज़रूर एक बार यहाँ पे आइए। धन्यवाद। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक बहुत ही ज़बरदस्त पहल और बहुत ही शानदार सेटअप। पेड़ पौधे और हरियाली के बीच में बने हुए कॉटेजेस काफ़ी खूबसूरत हैं, एक छोटा सा गार्डन, काफ़ी मनोरम स्थल है। इसको देख के अनायास ही ऐसा लगेगा पूरे परिवार के साथ टाइगर यहीं बैठा हुआ है। थोड़ी सी ऊंची जगह में कुछ और कॉटेजेस बने हुए हैं। पेंच टाइगर रिजर्व का एक बेहद ही खूबसूरत मनोरम स्थल है। फॉरेस्ट के साउथ से लगकर ही है कोलितमारा का ये गांव। एक आदिवासी गोंड समाज के लोग यहाँ रहते हैं, कुछ गोंड ट्राइब्स के लोग यहाँ रहते हैं। कोलितमारा जो गांव है वह यहाँ पे 90% आबादी जो है वो गोंड आदिवासी लोगों की है। तो यहाँ पे आप अगर आदिवासी जीवन अनुभवना चाहते हैं, यहाँ पे कैसे रहते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, उनकी संस्कृति क्या है, हर रोज़ वो क्या क्या करते हैं, यह आपको जानने की, वो अनुभूति करने का एक आपको एक अपॉर्चुनिटी है। छोटा सा आदिवासी घर परंतु बहुत ही साफ सुथरा, काफ़ी क्लीन, दरवाजों को अच्छी तरीके से सजाया गया है। मिलते हैं एक गोंड कपल से, शिवराम परतेती जी और उनकी पत्नी। ये गोंड प्रजाति के आदिवासी हैं और ये इनका मिट्टी का मकान, सीधे साधे लोग हैं और खेती करते हैं। ये चूने से दीवार को रंग करते हैं और मिट्टी से फर्श।
ये मिट्टी का फर्श है, पर मिट्टी का है ना, लेकिन कितना खूबसूरत डिजाइन करके इन्होंने रखा है वो देखिए, सुंदर मिट्टी का घर है परंतु डिजाइन बहुत सुंदर करके रखे हैं इन्होंने। ये लोग गोंड देवता फड़ापेन को मानने वाले हैं, फड़ापेन इनका देवता का नाम है। और थोड़ा सा पीछे चलते हैं इनके घर के आंगन में, ये गेहूं या दाल पीसने वाली चक्की है पत्थर की। पीछे इनका पूरा खेती है, इस खेत में कपास होता है, कपास ही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, ये कपास की खेती। ये कॉटन निकाल के रखे हैं जस्ट, और इसको जैसे इनको रेट सही जब मिलेगा तो उस समय ये इसको निकालेंगे, इसको बेच देंगे। कॉटन जो इनके खेतों में होता है वो है। ये है इनके रहन सहन का तरीका, और एक छोटी सी बच्ची अभी मुस्कुराएगी। सदस्य मैंने नजीक आने देना नहीं। अपना भारत का तिरंगा रहता है वैसा हमारा आदिवासी का झंडा, ये झंडा जय बुढ़ा देव लिखा है। हाँ जय बड़ा देव, हाँ पेन ये हमारे देव है, हम उसका पूजा करते हैं। कौन सा जनजाति है? जनजाति सर हम गोंड थे। क्या नाम है आपका? सल्लर सल्ललर घाघरा। सल्लर घाघरा आपका देव? हमारे देव तो है, बड़ा देव, चुरूर देव, अच्छा ऐसा बहुत से है। हाँ लेकिन हम उसको ज्यादा करके मानते हैं, ज्यादा करके पूछते हैं। नाम तुम्हारा? नंदू। खेती बाड़ी जो लोग करते हैं, आदिवासी जो लोग खेती पर निर्भर है, उनका जीवन कैसे रहता है, क्या क्या खेती में कर सकते हैं, क्या क्या करते हैं, उनका रहन सहन, घर कैसा है उनका, ये पूरा डिटेल आपको ये अनुभव करने का मौका हम इसके साथ ही देते हैं। और कपास ज्यादा हम यूज करते हैं सर, गोबर का। अच्छा। वो बैल का गोबर से निकलता हुआ, वो गोबर वैसे नहीं जाने से उनका गोबर यूज कर रहे हैं, तो गैस बन रहा है उसमें से, उसमें सब्जी गोबर का, गोबर गैस प्लांट है ना? हाँ गोबर गैस प्लांट ओपन। और अभी विलेज से होते हुए, कुलितमारा गांव से होते हुए बैल के ऊपर, ऑफकोर्स ये भी एक नया तरह का सफारी है बैलगाड़ी पर चलना, तो ये एक जमाने में चलता था, सब चलता था, लेकिन आज ये एक टूरिज्म का पॉइंट हो गया। चूंकि शहर में लोग रहते हैं, इनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है क्या होता है गांव, बैल मंडी क्या होता है, बैलगाड़ी क्या होता है, तो इसीलिए ये मेरा ये जो छोटा सा व्लॉग है ये वो बताने का एक प्रयास है कि जो लोग इस चीज़ से वाकिफ नहीं है, जो बिल्कुल खास शहर के लोग हैं, आप बिल्कुल आइए इस जगह पर और आपको ये सब सुंदर चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। हम खेत में से होते हुए यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ हम आदिवासी स्टाइल का खाना बनेगा और वो हम उसको एंजॉय करेंगे। बाजू में ही पेंच रिवर है, खूबसूरत सा नदी है, हम देखेंगे उस नदी को भी और बहुत सुंदर आदिवासी खाना का लुफ्त उठाएंगे। क्या प्रिपरेशन है खाने का? सामने नदी है, खटिया बिछाया हुआ है, बाकायदा मचान भी है, मचान के ऊपर आराम से बैठ सकते हैं। ये बन रहा है गाँव का खाना। क्या बन रहा है? मछली बना है क्या? कब पकड़ा है मछली? अच्छा कौन सी मछली है? रेहू तो नहीं दिख रहा, ये कतला दिख रहा है, तेलापिया है। ओके तेलापिया,
फ्राई चल रहा है, तिलपिया, आटे की रोटी है। अच्छा चिकन बन रहा है, गावरानी चिकन। हम लोग आराम से खाएंगे, आप लोग आराम से बनाइए। यह हमारा कुलितमारा गांव, हम करने जा रहे हैं सैला डांस। पोला सन होता है हमारा, और दिवाली सन, और होली, इसमें हम ये सैला डांस किया जाता है। भैया यहाँ पे और पुरुष लोग करते हैं डांस, यहाँ पे जो पुराने बुजुर्ग है वो भी कर लेते हैं, और हम जो कुंवारे या बच्चे ये उनका देख देख के सीख रहे हैं, तो हम भी हमारी जो संस्कृति है उसको जागरूक रखना चाहते हैं। हमारा ये आदिवासी संस्कृति रहना चाहिए करके, हमारी गुणी संस्कृति है ना, वो बनते सबको दिखना चाहिए, प्रचलित होना चाहिए सब। या ऐसा हमारा निवेदन है सबसे कि हमको सपोर्ट करो थोड़ा। अरे काहे को नाचे देखने लोगो रे,
खंडते जय शिवा माझं नाव विद्या विनायक कुंभे माझं नाव निकिता काश्यप खंडते चला मिळपाची अरे हरे 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 को नजो बे रो रे।
Yeah.